बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब दोस्तों का ख्याल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक न्यू इन्फॉर्मेटेड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के अंदर जो बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ है वर्क वीज़ा को लेकर और कुछ विजिट वीज़ा को लेकर, जो न्यूजीलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ है। आज की वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे। बहुत से ऐसे पंजाबी दोस्त हैं जो कि न्यूजीलैंड के आप क्या लेके डायरेक्ट वर्क परमिट पे जाके बहुत ज़्यादा वहाँ पे जलील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात हो रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कुछ ऐसे आप क्या लेके डर्टी पर्सन थे जिन लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैम किए। सो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये असल में सीन क्या चला है। इसमें आपको बताएंगे कि अगर आप में से कोई भी दोस्त जो है वो इन दिनों डायरेक्ट न्यूजीलैंड के वर्क परमिट पर जा रहा है या फिर विजिट वीज़ा पे जा रहा है, तो उसको किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा और उसके लिए क्या चीज़ें मोर इम्पोर्टेंट होंगी, जिनका वो अगर ख्याल नहीं करेगा तो वो भी उसी स्कैम में आएगा जो कि वहाँ पे लोग उस चीज़ को भुगत रहे हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूँगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आपका जो भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर वन बात तो ये है कि बहुत से ऐसे इंडियन हजरात हैं जिनको डायरेक्ट वर्क परमिट मिले न्यूजीलैंड के अंदर। अभी अगर बात करें तो पिछले 6 महीने से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि GCCI कंट्रीज में सेटल थे, स्पेशली बात करें तो उनमें से जो पंजाबी लोग हैं, पंजाबी इंडियन ब्रदर्स हैं, वो बेचारे बहुत ज्यादा GCCI कंट्रीज में सेटल थे। दुबई में कोई था और उसके अलावा अबू धाबी में, और अगर बात करें ओमान में, कतर में, कुवैत में, सऊदी में थे, बहुत ज्यादा सेटल थे। अब उन लोगों को कुछ ऐसी न्यूजीलैंड के अंदर आप कह लें कुछ ऐसी, उनमें से अगर बात करें तो 40% ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने 100 में से 40% ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने उनको डायरेक्ट वर्क परमिट दिया हुआ था। अब डायरेक्ट वर्क परमिट क्या क्या सीन होता है ये भी बताना आपके लिए बहुत जरूरी है। डायरेक्ट वर्क परमिट का सीन ये होता है कि आप किसी भी दूसरी कंट्री में, मतलब आप पाकिस्तान में या फिर आप इंडिया में या फिर आप दुबई में हैं, सऊदी में हैं, ओमान में, तो आपको किसी कंपनी के साथ आपकी बात हो जाती है, कंपनी के किसी रिप्रेजेंटेटिव बंदे से आपसे बात होती है, वो बंदा आपको ये कहता है कि मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में हूँ, मेरे पास कंपनीज है, ट्रांसपोर्ट की कंपनीज है, फूड की कंपनीज है और डेयरी फार्म की कंपनीज है। बहुत से डेयरी फार्म्स की कंपनीज भी वहाँ पे न्यूजीलैंड में है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर फार्मिंग का बहुत ज़्यादा बिजनेस है, काश्तकारी का बहुत ज़्यादा बिजनेस है, मतलब ये जो फल फ्रूट होते हैं इसको लेके वहां पे बहुत ज्यादा बिजनेसेस है, डेयरी का बहुत ज्यादा बिजनेसेस है। तो वहां पे फिर उन लोगों के साथ ये स्कैम हुआ है कि उनको ये कहा गया है कि आपको हम जो है वो डायरेक्ट वर्क परमिट देंगे। अब उन बंदों से 30-30, 25-25 लाख इंडियन रुपीज जो है वो ले लिए गए और उनको फिर क्या किया गया कि विजिट, उनको डायरेक्ट वर्क वीजा पे न्यूजीलैंड के अंदर बुला लिया गया। अब जो वो बेचारे ऑलरेडी कोई दुबई में सेटल था, कोई ओमान में, कोई किधर सेटल था, कोई इंडिया में अच्छे कारोबार करके बैठा हुआ था, मतलब बिजनेस करके बैठा हुआ था, उन लोगों ने सब खत्म किया और न्यूजीलैंड में चले गए। ये चीज चेक की नहीं कि जो कंपनी मुझे जो है इस चीज को डीपली उन लोगों ने चेक ही नहीं किया कि जो कंपनी मुझे वीजा दे रही है क्या इसके पास वहां पे काम भी है। मतलब काम की जो कैपेसिटी थी वो तो थी 10 बंदों की, लेकिन वीजा कितने बंदों का इशू होगा, 50 बंदों का। अब जब वो जिन लोगों का वीजा इशू हुआ वो ट्रेवल करके जब इंडिया से या फिर दुबई से या ओमान से या सऊदी से जब न्यूजीलैंड में पहुंचे तो वहां पे उनको काम ही ना मिला। फिर उन लोगों को क्या किया गया कि एक रूम में रहा गया, मतलब एक रूम में उनको स्टे के लिए रखा गया। और वहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बेचारे अभी तक वहां पे बैठे हुए हैं क्योंकि काम वहां पे नहीं है। डायरेक्ट उनका वर्क परमिट इशू तो हो गया लेकिन वो चले भी वहां पे गए, लेकिन काम करने के लिए उनका काम नहीं है। अब वहां पे वो लोग बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, एक एक रूम में 20-20, 30-30, 35-35 बंदे जो हैं वो बेचारे सरवाइव कर रहे हैं। बहुत से न्यूजीलैंड के मीडिया जो है उन्होंने अब वहां पे कवरेज की, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हुई। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो न्यूजीलैंड हुकूमत थी उन्होंने वहां पे बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको वहां पे आप क्या लेके उस रेड लिस्ट में ले आए, जिनके लोग वहां पे आके बैठे हुए थे, काम उनके पास नहीं था। अब उन लोगों को भी उन्होंने ये कहा कि हम इसकी जांच करेंगे, मतलब तहकीक करेंगे कि आप लोगों को इन लोगों ने यहाँ पे न्यूजीलैंड में बुला तो लिया है लेकिन आपको काम नहीं दिया, तो क्या इशू है। अब न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा ये स्कैम हुआ है, तो आप में से कोई भी दोस्त
अगर आपको कोई बंदा वहां पे कहता है कि जी मैं आपसे मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपया लेता हूँ और मैं आपको वर्क परमिट देता हूँ, या 50 लाख लेता हूँ मैं आपको वर्क परमिट देता हूँ, या 2 लाख लेता हूँ मैं आपको विजिट वीजा देता हूँ, आप यहाँ पे आ जाए मैं आपको काम दूंगा, तो आप 100% कंफर्म करके जाए विजिट वीजा पे भी, वर्क वीजा पे भी, कि उस कंपनी के पास वहां पे काम है भी या नहीं भी है। ये बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है, बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है। अभी मैं देख रहा हूं कि इंडिया के लोग कम जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को ये नॉलेज मिल गई है, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी लोग जो हैं वो वर्क वीजा पे जा रहे हैं, वो विजिट वीजा पे जा रहे हैं, उनके कंसल्टेंट विजिट वीजा अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन वो अब ये देख ले कि वहां पे जाके उनको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जब आप न्यूजीलैंड के अंदर जाते हैं तो आपको पता है न्यूजीलैंड के अंदर डायरेक्ट जो दुबई का लाइसेंस है ये कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए कुछ पेपर रिक्वायर्ड होते हैं जो बहुत से लोगों को मैंने भी निकलवा के दिए हैं, तो वो पेपर जब आप सबमिट करते हैं तो वहां पे आपको लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस मिलने के बावजूद भी कुछ बेचारे लोगों को काम नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी कंपनी के पास काम ही नहीं है। तो जब काम नहीं होगा तो फिर आप वहां पे जाएंगे, आपका इतना ज्यादा एक्सपेंसिबल फूड है वहां पे न्यूजीलैंड के अंदर कि जिसकी बात ही ना करें, अकोमोडेशन इतनी ज्यादा एक्सपेंसिबल है कि जिसकी बात ही ना करें। वो बंदा तभी मैनेज कर सकता है जब बंदा डायरेक्ट जाए और जाते सारी काम पे लग जाए। इसलिए इंडिया से, पाकिस्तान से, या नेपाल, श्रीलंका से, या किसी भी कंट्री से, जो भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप न्यूजीलैंड के वर्क परमिट पे जा रहे हैं या फिर आप जो है वो न्यूजीलैंड के विजिट वीजा पे जा रहे हैं, तो आप मुकम्मल आप उस चीज की मालूमात लेके जाएं, मुकम्मल उस चीज की इंफॉर्मेशन लेके जाएं कि जिस भी वीजा पे आप जा रहे हैं आपको वहां पे जाके जॉब मिलेगी, आपको रूम में तो नहीं बैठना पड़ेगा, आपको आपको ट्रबल तो नहीं वहां पे फेस करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं बहुत 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 ज्यादा लोगों को ट्रबल यहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर अभी करनी पड़ रही है। बेचारे बहुत से इंडियंस, पंजाबी भाजी मुझे तो वैसे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बेचारे बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अभी उन लोगों को, जिन लोगों की जो कंपनीज हैं वो उनको काम नहीं दे रही। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूंगा यार, अपने वीजे की मुकम्मल इंफॉर्मेशन लें। पंजाबी भाजी भी जो भी सुन रहे हैं और जो पाकिस्तानी भी, नेपालीज भी, अभी बहुत से लोग जो है वो न्यूजीलैंड में जा रहे हैं क्योंकि न्यूजीलैंड का जो विजिट वीजा वो इजीली निकल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा निकल रहा है। तो इसलिए इन चीजों को ख्याल रख के आप न्यूजीलैंड का ट्रेवल करें, अच्छे से आप अपना वीजा जो है उसको चेक करें, अच्छे से उस कंपनीज को चेक करें कि उस कंपनीज के पास काम है, कितनी बड़ी कंपनी है, तो फिर ही आप जाए, अदरवाइज आपके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती है, बहुत ज्यादा ट्रबल हो सकता है। न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा स्कैम हुआ है, तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर चीजों को फॉलो करके जाएं, क्योंकि मेरा फर्ज है आप लोगों को बताना कि न्यूजीलैंड में क्या लेटेस्ट अपडेट इन दिनों चल रही है। बहुत से दोस्त जो हैं उन लोगों ने मुझसे पूछा है कि कामरान भाई आपने इस बारे में क्यों नहीं वीडियो बनाई, क्यों नहीं आपने लोगों को बताया। इंडियन बाजी है, उन लोगों ने बोला यार कि लोगों को बताओ यहाँ पे आ रहे हो तो ये ट्रबल भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। सो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में आपको बताऊं कि न्यूजीलैंड के विजिट वीजा और वर्क वीजा में क्या स्कैम हो रहा है, क्या चीजों को आपको ख्याल करना पड़ेगा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर न्यूजीलैंड के विजिट वीजा और वर्क वीजा के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन थी वो बताई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।